होमवर्क में पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड अ बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो हमने नहीं बनाई, कोई बात नहीं, अभी आपको पता भी नहीं था, मैं बना के दिखा दूंगा। बैलेंस शीट बहुत ही आसान चीज है, सुनने पे ध्यान देंगे, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का कॉलम तभी बनाएंगे अगर आपके स्कूल में बोला है, कंपलसरी नहीं होता। मैं एज पर फॉर्मेट जो होना चाहिए वो पूरा कर रहा हूं, आपको उतना ही करना है जितना आपके स्कूल में बोला गया है। किसी चीज की ट्रीटमेंट अलग नहीं होगी, ट्रीटमेंट सबकी सेम होगी, दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, तो कहीं ट्रीटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो डिस्कस। और ये क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहले आपको फॉर्मेट बना लेना चाहिए, हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहली ट्रांजैक्शन, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। ध्यान से देखेंगे, सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कौन सा एसेट आया, कैश आया, कैश प्लस 20,000, और क्या आया, कोई लोन नहीं, कैपिटल बढ़ गई कितने से, 20,000। बिजनेस कमेंस विद कैश, इजीएस्ट ट्रांजैक्शन, बट मोस्टली हर क्वेश्चन में पहली ट्रांजैक्शन यही होगी, वो भी चाहेंगे अच्छा चलो कुछ तो ले लो हमारी तरफ से। ही परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, क्या ये गुड्स हैं या एक फिक्स्ड एसेट, इट इज अ फिक्स्ड एसेट, तो एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन सर, कोई नेम ऑफ द पार्टी गिवन नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो एसेट आया, फर्नीचर बढ़ गया, कैश चला गया, परचेज फर्नीचर। सर आपने न्यू इक्वेशन नहीं निकाली, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट का तो टोटल ही खुद है, इसमें कोई एडअप थोड़ी ना हुआ है, तो फर्स्ट के बाद न्यू इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, सेकेंड ऑनवर्ड्स होती है। परचेज फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीदा है, 2000 का फर्नीचर। चलो कैश में से 2000 माइनस कर दो, एक नया एसेट क्रिएट कर दो फर्नीचर के नाम से, एसेट्स में 2000 फर्नीचर आ गया। बट सर खर्चा हुआ है तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, यस और नो, रॉन्ग, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, दिस इज एन एसेट, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल कब कब अफेक्ट होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करा, अब ये कब कब अफेक्ट हो सकता है, कब कब चेंज हो सकता है, या तो एडिशनल कैपिटल आए, या फिर कोई ड्रॉइंग्स हो, या फिर कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे, या फिर कोई एक्सपेंस हो, एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्नीचर खरीदा, आपका खर्चा है या एसेट क्रिएशन है, एसेट क्रिएशन, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। व्हेन वी से एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय डेफिनेशन समथिंग द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा ना, अभी बेनिफिट एग्जॉस्ट थोड़ी ना हुआ है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। कोई भी डाउट, तो ना तो कोई इसका लाइबिलिटी से लेना देना, ना कैपिटल से लेना देना, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इफेक्ट नहीं हुई। तो माइनस टू प्लस टू जीरो, तो इंडिविजुअली भी ट्रांजैक्शन मैच कर रही है, लेकिन अब हमें क्या करना होता है, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, क्योंकि अब इक्वेशन चेंज हो गई ना। अब क्या हो गया, कैश है हमारे पास कितना, 18,000, फर्नीचर है हमारे पास कितना, 2,000, लाइबिलिटीज जीरो, कैपिटल 20। सर हमें न्यू इक्वेशन के लिए नहीं बोला हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तो आप मत बनाना, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं है, बट एज पर फॉर्मेट बनता है, एज पर फॉर्मेट बनता है, क्योंकि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ही यही है, टू प्रूव दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, आफ्टर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कन्वीनियंस सेक, क्योंकि बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कन्वीनियंस सेक आपको बोला जाता है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद टोटल मत करना, बिल्कुल सही है, वो आपकी मर्जी है, वो आपके स्कूल में, हर स्कूल में अलग अलग फॉलो होता है 11th में। बट फिर ध्यान क्या रखना कि आप ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली मॉनिटर करके चलना, मतलब आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा वो इक्वेशन अपने आप में मैच कर रही है कि नहीं कर रही, वरना बड़ी देर बाद जाके पता चलेगा कि ओ नो ये तो मैच ही नहीं कर रहा,
फिर ढूंढते रह जाओगे गलती कहाँ हुई, बात समझ आई, फिर टाइम वेस्ट, फिर जीरो मिलेंगे। तो सर फिर इंडिविजुअली कैसे चेक करते हैं? अब जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 20,000 इज इक्वल टू 20,000, मैच कर रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन -2 + 2 जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इंडिविजुअली ऐसे चेक किया जा सकता है। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन के बाद लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, ही पेड रेंट। नाउ पेड रेंट, जल्दी से बताएंगे उत्कर्ष क्या होगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट। करेक्ट, रेंट इज एन एक्सपेंस, इज इट अ बिजनेस एक्सपेंस और अ पर्सनल एक्सपेंस? वेरी गुड, जब तक कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने अपने घर का दिया है तब तक ये एक बिजनेस एक्सपेंस ही माना जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट, जल्दी से बताएंगे क्या क्या अफेक्ट होगा, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा जब हम रेंट पे करेंगे, तो क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जल्दी ट्राई करो ना। जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ना, तो आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो पहले तो ये होगा ही होगा ना कि अगर आपने रेंट पे करा है तो आपके पैसे गए। कितना रेंट पे करा है? 200। सर ये वाला घर हमें भी दिला दो। 200 दे दिया, अब रेंट पे कर दिया। अब दूसरा इंपैक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इंपैक्ट्स, तो रेंट पे किया, क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ? यस और नो, घर खरीद लिया 200 रुपए में, एसेट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर, तुम दोनों भाई भाई। रेंट मतलब किराया होता है, हाँ। रेंट जब हम रेंट देते हैं तो मतलब हम किराए के घर में रह रहे हैं, हमने घर खरीद नहीं लिया। तुम जैसे लोगों के चक्कर में लोग डरते हैं रेंट पे घर देने में कि अच्छा अभी वापस नहीं मिलेगा हमें तो तुम्हें लगता है कि हमने रेंट, अब तो घर हमारा हुआ सर, हमने रेंट दिया है इनको। नहीं, रेंट आपने किराए का है और जितने पीरियड का दिया उतने पीरियड ही रह सकते हैं, उसके बाद घर खाली करना पड़ेगा या फिर और रेंट देना पड़ेगा। इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। ओके चलो, तो एक्सपेंस है तो कौन बेयर करेगा? ओनर बेयर करेगा, कोई लायबिलिटी नहीं थी, ओनर बेयर करेगा। एक्सपेंस है 200 रुपए माइनस, जल्दी से हम कर देंगे न्यू इक्वेशन। 17,800 +2,000, कोई भी टर्म सुनो उसका मीनिंग नहीं पता हो, चाहे वो जितनी मर्जी सिंपल टर्म आपने हजार बारी सुनी हो, बेटा पूछ लेना, क्योंकि मीनिंग आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि वो इतनी बार यूज होने से पहले भी आपने पूछी नहीं, और इसलिए टर्म पता नहीं, तो पहले पूछ लेते तो पहले ही क्लियर हो जाता, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछ लेना चाहिए कि सर इसका मतलब होता क्या है, क्यों पे करते हैं हम रेंट, किस चीज का रेंट पे करते हैं, 1% भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो लायबिलिटी अभी भी जीरो है, कितनी हो गई कैपिटल? 19,800 मैच कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर ही, हु इज ही? गुरमान, ठीक है ना, ओनर ने खरीदा सामान बिजनेस के लिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बताओ रिद्धिमा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही। हमने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, तो गुड्स अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम गुड्स के लिए एक सेपरेट, पहले तो लिख देते हैं ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्या कैश दिया? नहीं। क्या फर्नीचर आया? नहीं। एक नया एसेट आ गया, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों अलाउड होता है, कोई स्टॉक लिखता है कोई स्टॉक ऑफ गुड्स लिखता है। कितने का सामान आया? 3,000, तो 3,000 का सामान आया, स्टॉक 3,000 से बढ़ गया। क्या हमने पैसे दिए? क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से? क्रेडिटर्स। अगर नाम दिया होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, तो भी आप क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, ब्रैकेट्स में राम लिख देना, अदरवाइज क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ क्रेडिटर्स काफी है। एक्चुअल अकाउंटिंग जब हम सीखेंगे, राम का सेपरेट अकाउंट, श्याम का सेपरेट अकाउंट, सबका सेपरेट अकाउंट, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स कंसोलिडेटेड दिखा सकते। एक सेकंड, क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,000, लायबिलिटी बढ़ गई,
कैपिटल, क्या ये कोई प्रॉफिट है, क्या कोई लॉस है, तो फिर कैपिटल को अफेक्ट सर, लेकिन एक्सपेंस है ना, गुड्स परचेज आपने कहा था एक्सपेंस होता है, बेटा नॉर्मली होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको स्टॉक में दिखा रहे हो डायरेक्टली, इसलिए वो एक एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए वो एक एक्सपेंस नहीं है। तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे, न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश कितना है 17800, फर्नीचर कितना है 2000, स्टॉक कितना है 3000, लाइबिलिटीज कितनी है 3000, और कैपिटल कितना है 19800। वेरीफाई कर लेंगे, 17 to 19, 19 3 22, 22 800, 19 3 22 800, अभी तक सब मैच कर रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स, चलो उसको करते हैं। सबसे मजेदार ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2000 फॉर 5000 कैश में बेचा, 2000 का सामान 5000 का बेचा, तो आपके पास पैसे कितने आए होंगे 5000। तो चलो ट्रांजैक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 7th है, 5th है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसे कितने आए 5000, क्या आपने फर्नीचर बेचा ना, स्टॉक बेचा, 2000 का सामान बेचा, तो स्टॉक इज डिडक्टेड एट कॉस्ट प्राइस, तो कितने का स्टॉक, 2000 का स्टॉक गया और 5000 में बेचा, ऐसा कैसे, प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को, प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को। अब ध्यान से देखना, जब लास्ट होता है, जब लास्ट होता है तो उसके बाद जो कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनली आपके पास कैश कितना है 22,800, 2000, 1000, लाइबिलिटीज 3000 और 22,800, 22 + 2 = 24, 25,000, एसेट्स कितने हैं 25,800 = लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो मैच कर रहा है, तो आपने मोस्ट प्रॉब्ली सही करा होगा, वरना एरर के बाद भी कुछ चीजें मैच हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई डाउट, कोई डाउट अभी जो मैंने बोला, कॉम्पनसेटिंग एरर एक ऐसा एरर होता है जिसमें आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स तो मैच, एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच कर रहे हैं, बट कोई गलती हो गई। अब जैसे मैं 50,000 की जगह गुड्स परचेज करे 50,000 के, मैं गलती से 5,000 दिखा दूं, तो कैश में से भी 5,000 माइनस करा, स्टॉक में भी 5,000 प्लस करा, तो टोटल तो फिर भी मैच कर जाएंगे आपस में, वो सही नहीं होगा टोटल, बट टोटल मैच तो कर ही रहा होगा, तो उसे बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। तो ज्यादा खुश नहीं होना अगर बस मैच कर जाए कि है मेरा सही है, हो सकता है सही है, ठीक है ना, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। ओके, अब सर बैलेंस शीट बना के दिखा दो, अकाउंटिंग विजन तो हमें भी आती है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान चीज है, फ्री के मार्क्स है। बैलेंस शीट एज एट, कोई डेट गिवन नहीं है तो आप डॉट डॉट दे देंगे, तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, आप प्लीज पेंसिल और स्केल से बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज द लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट, राइट हैंड साइड इज द एसेट साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगी कैपिटल, लाइबिलिटीज में क्या आएगा सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कितनी है आपकी 22,800, लाइबिलिटीज में क्या है आपके पास क्रेडिटर्स कितने 3000, टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड क्या है 25,800, एसेट साइड, एसेट्स में आपके पास क्या है कैश, फर्नीचर और स्टॉक, कैश कितना है 22,800, फर्नीचर 2000 और स्टॉक 1000, 22 + 2 = 24 + 1 = 25, 25,800 टोटल ऑफ एसेट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल भी आ रहा है
और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी आ रही है। बैलेंस शीट क्या सर हमें हर क्वेश्चन में बनानी है? नहीं, क्वेश्चन में अगर मांगी है तो बनानी है। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन, जस्ट प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी बनेगी।